हर टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। भारतीय रेल में अगर आप सफर करते हैं और आप सामान लेकर जाते हैं अपने साथ, तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय रेल ने लगेज पॉलिसी में बदलाव किया है और अब सामान तय सीमा से ज़्यादा ले जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसी खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज चैनलों पर दिखाई जा रही थी, मगर रेलवे ने इस खबर का खंडन करते हुए अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही है। रेलवे ने कहा है कि लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे की जो लगेज पॉलिसी है वो 10 साल पुरानी है और उसी के अनुसार यात्री को ट्रेन में सामान बिना बुकिंग किए ले जाने की अनुमति दी जाती है और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय रेल में सामान ले जाने के लिए नियम है, जैसे कि स्लीपर क्लास, टू टीयर, फर्स्ट क्लास, एसी कोचों में आप 40 से 70 किलो तक सामान लेकर जा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप किस क्लास में कितना सामान लेकर जा सकते हैं? तो आपको बता दें कि स्लीपर क्लास में आप 40 किलो तक सामान लेकर जा सकते हैं और टू टीयर में 50 किलो तक सामान लेकर आप जा सकते हैं और फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान ले जाने की छूट दी गई है।